एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी, प्रीति वारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियो। न्यू कंटेंट लेके आ गई हूँ। सिर्फ दो टिकटॉक क्लिप की मदद से आपको मैं अमेजिंग हेयर स्टाइल बताऊँगी। तो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। मैं बहुत ही ईजी तरीके से स्टाइलिश और अमेजिंग वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिस ना हो। मेरा एक और चैनल है सिलाई कोच प्रीति वारी, जिसमें मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। जैसे बारीकियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, उन सब टॉपिक्स पे वीडियो लेके आती हूँ। तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको सिलाई से रिलेटेड उस चैनल पर मिल जाएंगी, तो जाके चेकआउट कीजिएगा। इंस्टा आईडी प्रीति वारी 24 है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ दो टिकटॉक क्लिप की मदद से अमेजिंग सुपर हेयर स्टाइल एंड वेरी इजी। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल हमारा होगा बीच मांग से। तो सबसे पहले मैं बीच की मांग निकाल ले रही हूँ यहाँ पे। तो बीच की मांग मैंने यहाँ पे निकाल ली है। देन बहुत ही इजी है, आपने देखा भी होगा शायद। थोड़ा सा डिफरेंट बताऊँगी, लेकिन इस तरीके से लेयर लेना है एंड ट्विस्ट करना है इसको। ओके, फिर से सेकेंड लेयर लेना है और इसको भी ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके इन दोनों में गांठ लगा देनी है। बस यहाँ पे आपको बैक से थोड़ी सी हेयर हटानी है और अपना टिक टिक क्लिप लेना है और यहाँ पे इसको सेट कर देना है। और फिर इसके ऊपर से हेयर को हटा लगा देना है, ताकि आपका टिक क्लिप जो है वो दिखे ना। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। तो ये हमारा दूसरी साइड भी बन गया है। फिर सिंपली यहाँ से भी आपको हेयर को हटाना है और टिकटॉक क्लिप से सेट कर देना है और ऊपर से हेयर को लगा देना है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। है ना, बहुत ही ईजी एंड स्टाइलिश सा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। इसको ओपन करना भी बहुत इजी होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि गांठ लगी है तो कहीं फंसेंगे बाल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं तो आप हेयर स्टाइल से पहले बालों में सीरम जरूर अप्लाई करें। तो सेकेंड हेयर स्टाइल है हमारा, सिंपली हमने इस तरीके से हेयर को कर लिया है और फ्लैट रखना है हेयर को इस तरीके से, तभी वो प्रॉपर डिज़ाइन बनेगा जो हम बना रहे हैं। और इस तरीके से हेयर को लेते जाना, आपने बहुत बार देखा होगा बट समझ में आता नहीं है कि कैसे ये लाइनिंग बनेगी। तो इस तरीके से फ्लैट रख के, जैसे आपने सेकंड लेयर लेना है तो फ्लैट रखिए, और जब आप ये वाला लेयर पीछे और पीछे तक लेके जाना, यानी कि थोड़ा सा हेयर लेयर पीछे ले गए, पूरा पीछे तक इस तरीके से लेके जाना। पहले जो आपने लेयर दबाया हुआ है उसको नीचे से ले जाएंगे और इसको ऊपर की तरफ करेंगे। तो इसी तरीके से आप पूरा बना लोगे। जितना बनाना है आप चाहो तो ईयर तक भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको यहीं तक रखूँगी क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा राउंड में है तो अच्छा नहीं लगता है पूरा, अगर पूरा खींच के चिपकू चिपकू सा हेयर स्टाइल बनाऊँ तो। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। सॉरी, ओके, अब यहाँ पे भी आपको टिकटॉक क्लिप से सेट कर लेना है। अगर आपके पास एक ही क्लिप है और आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो आप लास्ट वाला पॉइंट जो होता है ना वहाँ पे पकड़ के इस तरीके से क्लिप लगाओगे तो आपका हेयर खुलेगा नहीं और लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। तो है ना, ये भी काफ़ी प्यारा था, इजी एंड स्टाइलिश था। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो थर्ड हेयर स्टाइल के लिए पहले मैं इस वाले हेयर को खोल ओपन कर लेती हूँ। तो इसको हमने ओपन कर लिया है। थर्ड हेयर स्टाइल हमारा होगा पॉप का। सिंपली मैं इस तरीके से हेयर को लूँगी और जो हमारा आईब्रो का आँच होता है यहाँ से हेयर को पकड़ूंगी इस तरीके से पूरा एंड तक। सिंपली हल्का सा ट्विस्ट करेंगे बालों को इस तरीके से और आगे की तरफ पुल करेंगे। बहुत इजी से इजीली आपका पॉप बन जाएगा। अगर आपका बीच से जैसे बहुत हल्के बाल है और बीच से मांग निकल जाती है, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और सिंपली यहाँ पे दो टिकटॉक क्लिप से, दो टिकटॉक क्लिप से सेट कर देंगे। अगर दो ही टिकटॉक क्लिप हैं तो इस तरीके से आप क्रॉस करके लगाओगे ना
तो आपका क्लिप बिल्कुल नहीं खुलेगा और लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा। ओके, उसके बाद से आपने फेस पे लेयर्स निकाल लीजिएगा। अगर आपका फेस भी मेरी थोड़ा राउंड है या फिर चौकोर है, तो लॉन्ग फेस है तो लॉन्ग फेस पे साइड फ्लिक्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो लॉन्ग फेस पे मत निकालिएगा। मतलब यहाँ से अच्छे नहीं लगते, ऐसे साइड बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने लॉन्ग फेस के लिए हेयर स्टाइल की वीडियो डाली हुई है, तो आपने नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड हेयर स्टाइल। आज सारे हेयर स्टाइल ओपन बता रही हूँ मैं, और उनका अगर उठाना है पास को तो थोड़ा थोड़ा खींच सकते हो। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में पहले आप बीच की मांग निकाल लो, यहाँ पे मैं कोई रबड़ बैंड कुछ यूज नहीं कर रही, सिर्फ दो टिक टैक क्लिप की मदद से बता रही हूँ। सिंपली आपको यहाँ से इस तरीके से लेयर को लेके जाना है। इस तरीके से क्रॉस कर देना है एक दूसरे को, फिर प्रॉपर लाइन एक लाइन पे ही लेके जाना है सारे लेयर्स को। कॉम कर लेते हैं, कॉम करने से हमारे हेयर स्टाइल प्रॉपर आते हैं। इस तरीके से लेके गए, यहाँ से फेस के ऊपर ले गए, यही वाली लाइन से आपको सारे लेयर्स लेके जाने हैं। ये जो हमारी लाइन दिख रही है, इसी लाइन के से आपको लेयर्स लेके जाने हैं। बस यहाँ पे आपको दो टिक टैक क्लिप की मदद से इसको सेट कर लेना है। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। चलते हैं पांचवें हेयर स्टाइल की तरफ। ये सारे हेयर स्टाइल कॉलेज बस पे, जींस टॉप पे, जैसे वेस्टर्न ड्रेस पे काफ़ी अच्छे लगेंगे। पांचवें हेयर स्टाइल में आपको सिंपली यहाँ से लेयर्स को लेना है और ट्विस्ट करते जाना है, साथ साथ में लेते जाइए और ट्विस्ट करते जाइए। देखिए मेरा फेस इस तरीके से सारे फेस मतलब सारे हेयर ऊपर की तरफ चिपकाने पर अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं लेयर्स निकालती हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपको लेयर्स निकालने हैं या नहीं निकालने हैं। तो देखिए इस तरीके से ट्विस्ट करने की वजह से हमारा ये जो ट्विस्टिंग है काफ़ी मोटा हो चुका है, इसके लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से फैला लोगे इसको और ये वाला छोड़ दोगे। ओके, और ऊपर वाला पतला वाला ही लेके और आप टिक टैक क्लिप से इसको सेट कर दोगे। तो ये नहीं खुलेगा। ओके, और ऊपर से हेयर्स को क्लिप के ऊपर डाल दोगे ताकि क्लिप आपकी दिखे ना दिखे ना। तो ये हो गया हमारा। फिर दूसरी साइड आपको क्या करना है, सिंपली आपको ट्विस्टिंग करनी है या फिर आप चाहो तो ब्राइट कर सकते हो। इस तरीके से थ्री पार्ट में डिवाइड करने वालों को। और जो उल्टी चोटी करते हैं हम लोग, उस तरीके से आपको चोटी बना लेनी है आपको। ज़्यादा फ्रेंच नहीं बनाना है, बस तो एक दो लेयर लेनी है आपको नीचे नीचे के। बस तो इस तरीके से हमने घूट लिया है और सिंपली इसको बैक साइड में लेकर जाएंगे, यहाँ पे हेयर को हटाएंगे और इसको।
तो ये 5 सुपर इजी हेयर स्टाइल सिर्फ 2 टिकटॉक क्लिप की मदद से आज के वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और भी इस तरीके की वीडियो देखनी है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और भी बहुत सारी अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करते हैं। बाय बाय।